पर दिल के रोगियों का इलाज होता है। जागीरदार साहब, हमारे यहाँ आज तक जितने भी दिल के ऑपरेशन हुए हैं सभी कामयाब हुए। हमारे यहाँ देश के जाने माने और काबिल डॉक्टर्स काम करते हैं। मानना पड़ेगा मिस्टर पारेख, आपका हॉस्पिटल वाकई बड़ा साफ सुथरा और आधुनिक है। थैंक यू सर। ये क्या? एल ए डी, लाइफ आफ्टर डेथ। रिसर्च जोन, नो एंट्री? जी हाँ, ऐसी जगह शायद दुनिया के किसी हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे वैज्ञानिक खास खोज कर रहे हैं। कैसी खोज? वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जब आपके दिल की धड़कन बंद हो गई थी तो आपने क्या महसूस किया? कैसा लगा आपको? मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ अजीब लग रहा था। पूरा कमरा जैसे कि नीली रोशनी में नहाया हुआ था। मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। अंधेरे में कुछ लोग खड़े हुए थे। कौन थे वो? ध्यान से देखा तो वो मेरी माँ थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी और वो रो रही थी। उसके साथ कोई और भी था, उसका चेहरा ढका हुआ था। जब वो आगे आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही शांत था और वो बहुत ही दयालु लग रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे देखकर अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हूं नहीं। बस फिर मैंने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। वहां डॉक्टर वगैरह सब थे। मैं फिर से जिंदा हो गई थी। हाँ, मैं फिर से जिंदा हो गई थी। आज के लिए इतना ही काफी है रुक्मिणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी वक्त हम शुरू करेंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि जिस शांत आदमी का चेहरा आपने देखा है उसका चित्र एक कागज पर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर आकाश, इन्हें जरा बाहर तक छोड़ाएंगे प्लीज। श्योर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो, अभी आइए जी। कल्पना, मीट मिस्टर जागीरदार। हम दोनों मिलकर दिल्ली में एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और ये यहाँ के होशियार वैज्ञानिक हैं। यहाँ जो भी प्रयोग होते हैं सब इनकी देख रेख में होते हैं। आजकल ये इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि मौत के बाद क्या होता है। बाय द वे, शी इज माय डॉटर। बड़े किस्मत वाले हैं आप पारेख साहब, जो इतनी काबिल बेटी पाई आपने। लेकिन डॉक्टर कल्पना, ये सब क्या? यहाँ पर म्यूजिक और इस तरह के वातावरण से लोगों के दिमाग को एकदम शांत कर दिया जाता है, ताकि वो ठीक तरह से ये बता सके कि मरने के बाद उसने क्या देखा। मरने के बाद क्या देखा? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एक इंसान का दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उसे मरा हुआ समझ कर छोड़ देते हैं? फिर किसी चमत्कार की वजह से वो आदमी अचानक ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसे चमत्कार तो बहुत कम होते हैं। It's very rare. आपने ठीक कहा। मैं ऐसे ही लोगों से पूछताछ करती हूँ जो कभी एक तरह से मर ही गए थे। तब उन्होंने क्या देखा और कैसा महसूस किया, यही मैं जानने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है उन्होंने जो आपको बताया वो झूठ हो सकता है, और नहीं भी। पिछले कई सालों से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है या चीज है जिसके बारे में ये सब लोग बात करते हैं। तो क्या कुछ पता चला आपको? हाँ, एक मिनट।
खुद ही देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये सभी चित्र उन लोगों ने बनाए हैं जो मौत से मिलकर आ चुके हैं। एक चीज है जो इन सभी चित्रों में मिलती है, किसी का ढका हुआ चेहरा। एक वैज्ञानिक होने के नाते आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक वैज्ञानिक होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी मैं इन बातों पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। 6 साल पहले की बात है, जब मैं PhD कर रही थी, मैं अपने पापा के साथ नए बंगले में रहने के लिए गई। कुछ लोग स्विमिंग पूल साफ कर रहे थे, भाई मकसूद पानी बराबर निकल रहा है ना? हाँ। ये पंप का कनेक्शन कहाँ से लिया है? वो वहाँ मीटर में से, एक छोटे पंप के लिए और एक बड़े पंप के लिए। तार छोटा पड़ रहा था इसलिए पानी के ऊपर से ही ले लिया। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, अगर तार पानी में गिरा और किसी को करंट लगा तो जान जा सकती है। कितनी अच्छी जगह है। चलो ठीक है, काम पूरा हो जाए तो मोटर बंद करके वायर जल्दी से निकाल लेना, वरना खतरनाक हो सकता है। ये तो मर गई। आपने आंखें खोल दी। मेम साहब उठिए, आइए मेम साहब। अभी यहाँ पर एक आदमी था। आदमी यहाँ? हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है मेम साहब। नहीं, अभी अभी यहाँ एक आदमी था, धुंधला सा, शांत, दयालु। ऐसा लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मेरा विश्वास करो आशा, वो था वहां पर, मैंने उसे देखा है साफ साफ। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और मैं जिंदा हो गई, वरना मैं तो मरी चुकी थी। ठीक है बाबा, ठीक है, वो करंट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग को झटका लग गया होगा, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कभी कहती हो मर गई, जिंदा हो गई, कभी कहती हो कि किसी को देखा है। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं आशा? ठीक है बाबा, तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई रहो, मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी। ओके बाय। ख्याल रखना। Thank you.
वो देखो, वो खड़ा है, उसी ने मारा है। कौन खड़ा है मेम साहब? ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये आप किसे देख रही है? तुम अंधे हो गए हो, वो देखो वो खड़ा है, क्या दिखाई दे रहा है? वो काले लिबास में खड़ा है। आपको क्या हो गया मेम साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यकीन के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मैं उसे अक्सर यहाँ देखा करती हूँ। अक्सर देखा करती हो? उस स्विमिंग पूल में जो मुझे करंट लगा, उससे मेरे दिमाग को कुछ हो गया है। मुझे वो सब कुछ दिखाई देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मुझे पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कोई मरने वाला है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ मौत का आना जाना तो लगा ही रहता है। मैंने मौत को कई बार यहाँ देखा है, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कोई मर गया। तुम जैसी जवान और पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें कर रही है, मौत में खोई हुई है। अब मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, सब बकवास है, झूठ है। जगीदा साहब, आपकी फ्लाइट 5 बजे की है और मेरा ख्याल से ऑलरेडी देर हो चुकी है। डॉक्टर आकाश, इफ यू डोंट माइंड, इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? जी, थैंक यू। ओके ओके बेटा, जल्दी मिलते हैं। मेरे ख्याल से जागीरदार साहब ठीक कह रहे हैं, तो मौत की बातों में कुछ ज्यादा ही खोई रहती। मैं क्या करूं बाबा, जब भी मैं उस काली परछाई को देखती हूँ तो मैं ये समझ जाती हूँ कि अब वो एक और जिंदगी को खत्म करने आई है। वो हमारे में से और किसी एक को हमसे दूर ले जाएगी, बहुत दूर, हमेशा के लिए। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ पापा। ये प्रकृति का नियम है बेटी, हम इसे रोकने वाले कौन? मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है। तुम वैज्ञानिक हो मगर मेरी बेटी भी हो, तुम्हें मौत की तरफ नहीं जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम ये खोजबीन छोड़कर डॉक्टर आकाश से शादी कर लो और खुशी खुशी अपने दिन गुजारो। नहीं, घूर घूर के क्या देख रही? पापा वो फिर से आई है पापा, वो काली परछाई पापा, मौत मेरे आंखों के सामने खड़ी है पापा। मगर मुझे तो वहां सब ठीक ठाक दिख रहा है। तुम बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? क्यों? तो मेरी सहेली को ले गए, अब और मुझसे किसे चीटने को? बोलो, क्यों नहीं? नहीं, तुम ऐसा नहीं
होश में आओ कल्पना, होश में आओ। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। है बेटी, मौत से मत लो। अफसोस है कल्पना, इन्हें इतना जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था कि जमीन पर गिरने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। I'm sorry. मैं जाकर इनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करता। हेरो, पापा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? क्यों? पिता घर के लोगों से कहो कि बर्फ का इंतजाम करें, मेरे पापा के शरीर को जलाया नहीं जाएगा। तुम चाहती हो इनके शरीर को बर्फ में रखा जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं मौत से सीधा मुकाबला करूंगी, मौत को मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे पापा के शरीर में फिर से जान डाले। मौत से मेरे पापा की जिंदगी मांग कर लाऊंगी, और इसके लिए उनके शरीर को बर्फ में रखना जरूरी है। जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, अब चुप नहीं बैठूंगी। वापस लेकर आऊंगी। कल्पना, कल्पना तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे ये इंजेक्शन लगाओ, और ठीक 60 सेकंड के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगाओगे। लेकिन इसमें दवा नहीं है। ये क्या पागलपन है? इस दवाई से तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो सकती है, और इस दूसरी दवा से मेरे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो सकती है। तुम चाहती हो 60 सेकंड के लिए मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूं? तुम मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक मिनट के लिए। और उस एक मिनट में मैं मौत को पास से देखना चाहती हूँ। उस एक मिनट में मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, और उस एक मिनट में मैं मौत को चकमा देकर अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस खेल में तुम्हारी जान को खतरा हो वो खेल मैं नहीं खेल सकता, और वो खेल मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। कोई नहीं रोक सकता। ये तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 60 सेकंड के बाद तो मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देगा, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं। कल्पना, मरना चाहती थी, लेकिन मैं तो वही हूं अपनी जगह पर। लगता है दवा ने असर नहीं किया। आकाश, ये अरे आकाश, आकाश, आकाश कहां चला गया? आकाश, आकाश,
आकाश, आकाश कहाँ चला गया? आकाश, मैं तो हैरान हो गई थी कि सबके सब कहाँ चले गए। अरे आप सैगल साहब की पत्नी है ना? और रमेश तुम वही हो ना जो अस्पताल में भर्ती हुए थे? आप सब लोग तो मर चुके हैं ना? हाँ कल्पना, ये सब मरे हुए हैं। कल्पना, तुमने अपनी बचपन की सहेली को नहीं पहचाना? कल्पना, तुम यहाँ कैसे? ये मरे हुए लोगों की दुनिया है, जैसे धरती पर जिंदा लोगों की दुनिया है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ अपनी दुनिया में। हाँ मैं चल रहा, लेकिन अपने पापा को साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। मत करो कल्पना, मरे हुए लोग वहां नहीं रह सकते और मरने के बाद यहाँ से जा नहीं सकते, यही मौत का नियम है। मैं मौत का नियम तोड़कर अपने पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे पापा यहाँ कहीं खो गए हैं कल्पना, तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकती, नहीं ढूंढ सकती कल्पना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, चली जाओ वापस अपनी दुनिया, चली जाओ कल्पना। शुक्र है भगवान का कि तुम जिंदा वापस आ गए। लेकिन मैं वापस कैसे आई? तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद हो चुकी। एक मिनट बाद जब ये दूसरा इंजेक्शन लगाया तब जाके तुम्हारे दिल की धड़कन फिर शुरू हो गई। कुछ देर पहले मैं उस दुनिया में पहुंच गई थी जहां मुझे वो लोग मिले जो मर चुके हैं। वहां मुझे मेरी सहेली आशा, मैंने उससे बातें भी की, मुझे मेरे पापा भी मिल सकते थे। लेकिन क्या मैं फिर तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगी, समझे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर अपने पापा को वापस लाऊंगी। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती पापा, मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी, जिंदा करूंगी। पिछली बार मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, लेकिन इस बार मैं आपको मौत की दुनिया से जरूर अपने साथ लेकर ही आऊंगी। मैंने इस किताब में पढ़ा है किस तरह 3 मिनट के लिए दिल की धड़कन को बंद किया जा सकता है। बहुत जल्द मैं 3 मिनट के लिए आपकी दुनिया में जा रही हूँ और ये 3 मिनट आपको ढूंढने के लिए काफी है पापा। तीन मिनट के लिए तुम अपना दिल बंद कर दोगी? पागल हो गई हो तुम, मौत का असर हो गया तुम पर। आत्महत्या मत करो कल्पना, 3 मिनट बंद रहने के बाद किसी का भी दिल फिर से धड़क नहीं सकता, सचमुच मर जाओगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर गई तो अपने पापा के साथ रहूंगी और अगर जिंदा रही तो अपने पापा को भी साथ लेकर रहूंगी। दोनों तरह से मेरे पापा मेरे पास रहेंगे। एक बार मेरी बात मान जाओ, मरे हुए को जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। चुप रहो आकाश, मेरे पापा है और मेरे पापा की जिंदगी के आगे मेरी जिंदगी और मौत की कोई कीमत नहीं है। ये लो, ये इंजेक्शन लगाओ मुझे। नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से नहीं मार सकता। मैं खुद ही लगा लेती हूँ। कल्पना, आकाश, 3 मिनट के बाद जब वो अलार्म बजेगा मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना। कल्पना,
पापा, आशा, आशा कहाँ हो तुम? आपने मेरे पापा को या मेरी सहेली आशा को कहीं देखा है? मेरे पापा को ढूंढने में कोई मेरी मदद करो। तुम अभी तक मरी नहीं हो, फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम जिंदा हो, जिंदा इंसानों की दुनिया में लौट जाओ। लौट जाओ। आशा, मेरे पापा कहाँ हैं? आशा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। आशा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर के पास हैं। जाओ उनके पास। मेरा घर है। पापा किधर है? पापा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरे पापा मिल ही गए मुझे। पापा। कल्पना, तुम यहाँ? तुम बहुत गलत काम कर रही हो बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मरे हुए लोगों का ख्याल छोड़कर जिंदा लोगों की सेवा करनी चाहिए। क्या करूँ? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मेरे साथ चलिए पापा। मैंने अभी तक आपके शरीर को बर्फ में संभाल के रखा हुआ है। आप फिर से जिंदा हो सकते हैं पापा। मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता बेटा, ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। मरकर जो एक बार यहाँ आ जाता है वो तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुम वापस जा सकती हो क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। लौट जाओ मेरी बेटी, लौट जाओ। कम से कम अपने मरे हुए पापा का कहना तो मान लो। पापा ठीक कह रहे हैं कल्पना, वापस चली जाओ, चली जाओ। डेढ़ मिनट हो चुके हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। कल्पना वापस आएगी या नहीं, उसके दिल की धड़कन फिर से शुरू होगी या नहीं, हर सेकंड के बाद खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। मैंने ये दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो शायद कोई गड़बड़ भी हो सकती है। मैं क्या करूं? ये क्या हो गया? मुझे दूसरा इंजेक्शन ढूंढना पड़ेगा। बहस मत करो बेटी, लौट जाओ। अगर तुम ना गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो कल्पना, तुम्हारे पापा का वक्त आ गया था, इसलिए इन्हें मरकर मौत के घर में आना पड़ा। अब वो यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कभी वक्त नहीं आया था, उनकी उम्र सिर्फ 55 साल थी और उनकी सेहत भी अच्छी थी। वो कम से कम और 20 साल जिंदा रह सकते थे, लेकिन आपने उन्हें वक्त से पहले ही मार डाला। अगर तुम ऐसा कोई चीज तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो। इस अस्पताल में तो मैं काम
इसे यहाँ क्यों लाए हो? चलो मेरे साथ। आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं। चलो। ये 25 साल का जवान आदमी, दो दिन पहले इसकी कार की टक्कर हो गई, कल इसका ऑपरेशन होने वाला, 3 दिन बाद ये मर जाएगा। क्या इसकी उम्र मरने लायक? लेकिन इसे जाना होगा, इसका वक्त आ गया है। चलो मैं तुम्हें कुछ और। चलो, इस लड़की की उम्र 22 साल है, कल किसी तरह ये आग की लपेट में आ गई, इसका पूरा शरीर जल गया, 4 दिन बाद ये मर जाएगी। क्या इसकी उम्र मरने लायक? नहीं, लेकिन इसका पता आ गया। चलो चलो कुछ और दिखाऊं। आओ, 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 आओ। मासूम बच्चा है, मगर इसकी मौत भी नहीं सकता। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, बस करो, बस करो। और नहीं देख सकती। मौत से कोई नहीं लड़ सकता। मौत से एक दिन तत्वानी है, पर बीमारी के कारण, का बुढ़ापे के कारण। लेकिन तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तो वापस जाओ, लौट जाओ। हाँ बेटी, चली जाओ यहाँ से और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। जब तुम्हारा समय आएगा तो मौत खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आएगी। जाओ। नहीं, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी। कल्पना, अगर अभी तुम वापस नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। जाओ, जाओ। तुम अगर मेरे पापा को नहीं भेज सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है कल्पना, लेकिन मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं रख सकता, तुम्हारे पापा को जरूर वापस भेज दूंगा। जल्दी करो, अभी इसी वक्त, कुछ समय बचा है। नहीं, पहले तुम जाओ, तुम्हारे पापा को मैं बाद में भेज दूंगा। नहीं, तुम झूठ बोलकर मुझे वापस भेजना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे पापा को मैं भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता,
मेरे दिल की धड़कन बंद होने के बाद तुम कहां गई थी? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं हो सकते। बहुत ने मुझसे झूठ कहा है आकाश, बहुत बड़ा मजाक किया है। तुम मौत से हार गई हो कल्पना, हार गई हो। नहीं, तुम घर जाओ, मैं पापा के अंतिम संस्कार क्या रहे। कल्पना, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। पापा के अंतिम संस्कार को 2 दिन हो चुके हैं। पुरानी बातें भूलकर अब तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना होगा। पापा के इस अस्पताल को अब तुम्हें चलाना है। क्या फायदा आकाश, मुझे मालूम है वो कमरा नंबर 3 वाली लड़की जो पूरी तरह जल गई है वो बचने वाली नहीं है, और वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी मर जाएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो कमरा नंबर 4 वाला बच्चा बहुत सीरियस है। देखा, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। वो मासूम बच्चा भी नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, ये सांस नहीं ले रहा। देखिए क्या हो गया है। तो ऑक्सीजन दे रहा हूँ। अरे, इसका तो चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। सांस नहीं ली जा रही है। I'm sorry, कल्पना, पर मुझे लगता है हम इसे बचा नहीं पाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मैंने कि कोई फायदा नहीं, मौत से नहीं लड़ सकते। कहा हो तुम? तुम आते क्यों नहीं? कल्पना, इस बच्चे को भी ले जाओ। कल्पना, शांत हो जाओ। तुम किसकी बात कर रही हो? यही कही होगा। बुरे आकार। कौन है? बुरे। तुम वो मुझे दिखाई देते हैं। इन्होंने एक मुझसे झूठ कहा। मेरे पापा को वापस दे दे। देखना, अभी इस मासूम बच्चे को भी लेके जाएंगे। तो ले आए हैं वो। मुझसे झूठ बोला। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। झूठ बोला आपने मेरे साथ। ले जाइए मासूम बच्चे को भी। ले जाइए ना। रुक क्यों गए आप? ले जाइए। मैंने झूठ नहीं बोला था। तुमने मेरी बात को समझा नहीं। बच्चे को लिए भी नहीं चले गए आकाश। अरे, ये बच्चा तो फिर से जिंदा हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। ये निशान कैसे? अरे बिल्कुल ऐसे ही निशान तो मेरे पापा के हाथ में भी था। मतलब मेरे पापा की आत्मा इस बच्चे में। मेरी समझ में आया। मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। उसने अपना वादा निभाया है। उसने मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज दिया है। मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। Thank you.
वापस चली जाओ। मौत से कोई नहीं लड़ सकता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।